बात है प्रिंस, आपको नींद नहीं आ रही? कुछ नहीं, बस ये सोच रहे हैं कि क्या यशोदा माता ने कभी अपनी ममता की परीक्षा ली होगी। माँ को अपनी ममता की परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप तो परीक्षा ले रही थी ना परी की। परी आपसे प्यार करती है या नहीं ये आजमाने की कोशिश तो कर रही थी ना। हम सब दे चुके हैं नंदिनी, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप ही ने तो कहा था ना प्रिंस, कृष्ण और यशोदा का प्यार देवकी से कहीं बढ़कर है। हम उसी को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे प्रिंस। लेकिन नंदिनी, हमने ये भी कहा था कि यशोदा माता का दर्द देवकी माता के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। नंदिनी, आंसुओं के समंदर में खुशियों के मोती ढूंढने की कोशिश मत करो, मत भूलो। कृष्ण से बिछड़ना यशोदा माता का भाग्य है। लेकिन कृष्ण से प्यार करना यशोदा का स्वभाव है, वो कृष्ण से प्यार करना नहीं छोड़ सकती है। हम कब कह रहे हैं नंदिनी कि यशोदा माता को कृष्ण को प्यार नहीं करना चाहिए? अरे यशोदा माता ने तो जिंदगी भर कृष्ण को प्यार किया है। लेकिन उसी यशोदा माता ने वक्त आने पर कृष्ण को देवकी माता के पास वापस भी भेज दिया था। परी को उसकी असली माँ के पास भेजने का वक्त आ गया है। उसका अपने आप यूं माँ लिखा जाना ये संजोग नहीं है। हमें परी से बिछड़ने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं फिर से कहता हूं नंदिनी, अपनी ममता को काबू में रखो जैसे कि हमने रखा है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल।